जिसे ढूंढती है नज़र मेरी, शायद वही है तू। मेरी नज़र है तू, जिगर है तू, दिल की धड़कन है तू। सोचता हूँ कि कहाँ ढूंढूँ तुझे, शायद मेरे मन में बसी है तू। हाँ, तू ही है, तू ही है, तू ही है। 1992 में मुझे हॉजकिन डिजीज हुआ था, जो एक ब्लड कैंसर होता है। तभी मेरी उम्र 6 साल की थी, तो मुझे उतना पता भी नहीं था कि हॉजकिन डिजीज हुआ और कैंसर होता क्या है। तो मुझे थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लगा कि मुझे क्यों कैंसर हुआ था, लेकिन फिर मैंने अपने आप को ही समझाया कि चलो ठीक है, अभी तो ठीक हूँ ना। मेरा जो कुछ क्वेश्चन है, मैं नेक्स्ट फॉलोअप के लिए जब हॉस्पिटल जाऊँगा तो मैं अपने डॉक्टर से पूछूँगा। तो उन्होंने सब कुछ मुझे बताया कि आपको क्या हुआ था, कैसे हुआ था। उन्होंने बताया कि हॉजकिन डिजीज़ हुआ था। तो मैंने क्वेश्चन किया कि हॉजकिन डिजीज़ क्या होता है। उन्होंने कहा कि एक तरह का ब्लड कैंसर होता है। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, अभी क्या है, मुझे कैंसर है अभी कि मैं ठीक हो गया हूँ? तो उन्होंने कहा कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। तो वापस मैं अपने गाँव गया, पढ़ाई कंटिन्यू रखी, फिर खेलने में बहुत अच्छा लगता था, तो मैं क्रिकेटर भी बनना चाहता था। जो पत्नी है, उनसे मुलाकात मुझे 5 साल पहले तभी हुई थी, उनसे के पास वो भी काम करती थी। तो मेरी वहीं पे मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हुई, विचार में बदलाव आ गया, मैं थोड़ा पॉजिटिव हो गया। मेरी अभी जो हॉबीज है, उसमें ज़्यादातर मैं जब फ्री रहता हूँ या टेंशन ज़्यादा नहीं रहता तो मैं स्क्रिप्ट राइटिंग करता हूँ या लिरिक्स लिखता हूँ। तो ये मैं बैठे बैठे दिमाग में कुछ भी अगर चलते रहता है तो मैं उसे अपने नोटबुक पे उतार देता हूँ। पढ़ाई कंप्लीट करके जब मैं मुंबई आया तो यहाँ पे मैंने जॉब भी ऐसे जगह पे लिया जहाँ पे कैंसर से रिलेटेड लोगों से मिल सकूँ या फिर उनकी हेल्प कर सकूँ। तो मेरा जो काम रहता है कैंसर के पेशेंट जो है उनकी काउंसलिंग करना या फिर सर्वाइवर्स को काउंसलिंग करना, उनके जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर करना, उन्हें मोटिवेट करना, उनकी जो क्वेश्चन होते हैं एज ए सर्वाइवर, मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से बताता हूँ और उनमें वो कॉन्फिडेंस आता है। तो ये मेरा डेली का रूटीन है, इससे मुझे अच्छा भी लगता है। उगम सर्वाइवर्स का और सर्वाइवर्स के लिए काम करती है। आफ्टर कैंसर भी लाइफ बहुत नॉर्मल होती है, उसका एग्जाम्पल हम हैं। और हम खुद जाके लोगों से वहाँ पे बात करते हैं कि हम बचपन में कैंसर हुआ था, अभी बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं है कि लाइफ ख़त्म हो गई है, अभी पूरी लाइफ हमारी बाकी है और हम ऐसे ही बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह हैं।